सो हे गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम, अगर आपका अकाउंट है ठीक है, तो उसको आप कैसे आप लॉगआउट कर सकते हैं अपने अकाउंट से, ठीक है। परमानेंटली भी आप लॉगआउट कर सकते हैं, और अगर नहीं करना आपको तो आपको अगर टेम्प्रेरली भी लॉगआउट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको ये ऐसी वीडियोज़ अगर पसंद है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे आप जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, ओके। यहाँ पे जो है मैंने एक रैंडमली एक अकाउंट बनाया है जिसको मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे जो है यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपको अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। ये जो है मैंने एक रैंडमली चैनल बनाया है, मतलब एक ऐसी अकाउंट बनाया जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको थ्री जो लाइन्स है यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उससे उसमें सबसे टॉप का ऑप्शन जो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड और स्विच अकाउंट का, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे लॉग आउट टेक्निकल, जो भी मेरे अकाउंट का नाम है वो, और लॉग आउट ऑफ ऑल अकाउंट, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे अकाउंट बनाए और आपने डायरेक्टली आपको सारे अकाउंट पे से अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, सारे अकाउंट्स को अगर आपको डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं, अगर आपको एक सिंगल अकाउंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग आउट टेक्निकल, तो यहाँ से जो आप लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन आएगा तो आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं यहाँ से जो है आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद जो है लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे करना है, ठीक है। आप ऐसे जो है आप लॉग आउट कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जाननी है तो आप इस चैनल को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।